पल पल मुझको सताती, तेरे ही सपने देखकर के सोया, तेरी यादों में जाना, तेरे ख्यालों में अंधेरा, जैसे कि माला में धागा, बादल बिखरे चलते देश दुनो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो, नाम न किसी माँ हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा, भागे कहीं रूप खिले कहीं आओ मिले, लंबी से डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने, मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे है कर, आपके दामन हो जुदा, खुदा की रहमतों में कभी कमी ना आए, होठों पे आपकी मुस्कुराहट कभी न जाए, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, उठ जाए सर जहाँ कहीं मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही मेरे कदमों के दर्द कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको सॉरी ये पुरानी थी थोड़ी सी मर्ज नहीं हो पाए, सॉरी होप आप सभी को पसंद आएगा। फूलों की तरह तू सदा मुस्कुराए, हमने तो बस मांगी है दुआए, फूलों की तरह तू सदा मुस्कुराए, गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, आंखों में बसे नए ख्वाब मुबारक, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज, वो तमाम खुशियों की हंसी सौगात मुबारक, धरती सा धीरज है, धरती सा धीरज है और आसमान सी ऊंचाई है, जिंदगी को तराश के खुदा ने यह तस्वीर बनाई है, हर दुख बच्चों का खुद पर सह लेते हैं, हर दुख बच्चों का खुद पर सह लेते हैं, खुदा की उस जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं परिवार की तरफ से
हमारे परिवार के मुखिया और पिता समान आदरणीय अनिल सर को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनके सुख बस जो मुस्कुराहट आती है उस मुस्कुराहट के बोल रहे हैं ताबिंदगी, हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो आपको, साल गिरह की ये खुशी मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मैडम आने वाला है, हो सके तो इस दिन जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओहो या फुताब हो जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दिल तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। शायर तो नहीं, इसके पहले शादी से पहले मैं कभी गाना नहीं गाता था, इसलिए अब मैं गाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। खाब है आपसे भी खूबसूरत, आपके अंदाज है आपकी आंखों में। थैंक यू। रात हो न हो शायद फिर से जाने मुलाकात हो न हो, इसके बिताएंगे हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग है ये रहा रंगी बनाएंगे, जिंदगी हंस के बिताएंगे हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। अपनी उम्र हमें संग रहना है। इक्कीस जून वर्ल्ड योग डे को रॉकवुड्स और सीपीएस की तरफ से रॉकवुड सभागार में योग सेशन रखा गया। उसके पीछे खास मकसद था कि हम सभी लोग योग करें और उसके गहरे प्रभाव, उसके लाभों को आत्मसात करें। कोरोना काल में इम्यूनिटी और मानसिक इमोशनल हेल्थ का स्ट्रांग होना कितना अधिक आवश्यक है, इसका मर्म तो हम सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस योग सेशन में हमने बताया कि हंसते हुए योग करना है, 2 घंटे तक लगातार हंसते हुए और पसीना बहाते हुए गहरी गहरी सांसों के साथ प्राणायाम करते हुए और शुभ संकल्पों की धारणा या शुभ संकल्पों को विजुलाइज करते हुए हमें योग करना होता है।
पहले हम लोग आसन को 5 से 10 सेकंड तक ही किया करते थे, पर हमने स्कूल में सिखाया है कि हर आसन को कम से कम 5 मिनट तक लगातार करना होता है। भुजंगासन का महत्व तो अभी सारे संसार को पता पड़ ही गया है कि भुजंगासन करने से लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, पर पहले हम ये करते थे कि इसकी संख्या और अवधि बहुत कम रखते थे। यहाँ हमने हर आसन को कम से कम 100 बार किया। 100 बार जब हम आसन करते हैं तभी हमारी बॉडी में वो लाभकारी सिक्रीशंस सिक्रीट होते हैं जिससे कि हमारी माइंड और बॉडी दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसलिए रॉकर्स और सीपीएस में सभी लोगों ने हर आसन को 100-100 बार किया और प्राणायाम भी किया, मेडिटेशन भी किया। हम अपने स्कूलों में, दोनों ही स्कूलों में, कई वर्षों से सभी स्टूडेंट्स को योग की शिक्षा देते आ रहे हैं ताकि माइंड, बॉडी और सोल बिल्कुल स्वस्थ रहे और जिंदगी बिल्कुल बैलेंस्ड और हारमोनियस रहे, समरसता बनी रहे।